प्रणाम गोल लगतानी भोजपुरिया जहान हम बानी अक्षरा सिंह राउर सभी के स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ जंग में जेकर नाम बा सुर संग्राम तृतीय। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी न्याय मंडल के भोजपुरिया संगीत के अद्भुत हस्ती मालिनी अवस्थी जी के और भोजपुरिया नौजवान के अखियन के सपना कल्पना जी के। अक्षरा जी आप यहाँ समझ में नहीं रवि जी कहाँ गए? सबसे पहले तो प्रणाम करतानी आप दोनों न्याय मंडल के। हम यहाँ आए हैं एक मकसद के लिए। आज ही मंच पर सबके जिंदगी के किताब के पन्ना खुली। आज हम दिखा रहे बानी अपन गुरुदेव के कहानी एगो महानायक के जीवन के अद्भुत अद्भुतम अद्भुतास कहानी। तो देखी राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुण कंदर पयंगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम पट पीठ मानव तणित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम। प्रणाम बाबूजी। हर हर महादेव। बाबूजी हमरा के एगो कलाकार बने के बा। का रवि तू हमार दुश्मन बाड़ा कि हमार बेटा? श्याम नारायण शुक्ला के मिसाल कई कोस दूर गांव तक दिहल जाला। हमार दिहल संस्कार के भुला गईला तू? पढ़ाई लिखाई ना करबा, नौटंकी करबा, रामलीला करबा, नचनिया बनबा नचनिया, पंडित खानदान के नाम मिट्टी में मिला दिला। आज तोहरा के ना छोड़ब, आज तोहरा के ना छोड़ब। अब हम गांव में ना रुकब, आपन सपना पूरा करे खातिर बम्बई जाए और एक दिन बाबूजी के नाम पूरी दुनिया में रोशन करब। ई हमार वादा बा बाबूजी, ई हमार वादा। धन्यवाद देव अशोक द स्टार और उनकर ग्रुप के अद्भुत ग्रुप रहे। का कलाई का उठा का पटक बाबू और हाथ पे जोन लड़का की लड़की लोगन के उठले वाह। इनके जरूर एगो भोजपुरी सिनेमा देव कोरियोग्राफी खातिर एगो जोरदार ताली। हमार कहानी के इतना सुंदर अनोखा और भोजपुरिया खातिर बिल्कुल नया अंदाज में प्रस्तुति दे खातिर हम अशोक सिंह जी जो डायरेक्टर बाड़न, आनंद बाबू जी स्क्रिप्ट को क्रिएटिव बाड़न, हमरा खातिर भी एगो सरप्राइज रहे। हमार बाबू जी के भूमिका में श्याम नारायण शुक्ल बनलन, उनके लड़का बनल अशोक रवि किशन के रूप में, सब लोगों खातिर तो जोरदार था। रवि जी जी माई अभी आपकी कहानी अधूरी है। जिस मूल से आप निकले जो अभी हम सब ने देखा, जहां से आपने जन्म लिया, जहां ये प्रण लिया कि आप कुछ करके दिखाएंगे, तो फिल्मी भाषा में मैं कहूं तो अभी कुछ ऐसा बाकी है। दरअसल पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ऐसा आपको अभी मैं चाहती हूं कि हम सब लोग आपको सुनाएं, जिसको देख करके हमारे देखने वाले सुनने वाले सुर संग्राम के सभी दर्शक उनके भी दर्शन कर सके, जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, जिनकी वजह से आप आज रवि किशन शुक्ल हैं। आज हम के बचपन में इनको हम अपने बाल बच्चों को जैसे बगीचा ये मालिक संभालता है,
इस प्रकार ये लोग को बच्चे लोग को संभालते हुए अपने जीवन को बड़ी धन्यवाद समझा। अरे बेटा धन्यवाद है, आप जैसे सबको भगवान पुत्र देवे और सबको ऐसे हो ऐसे संस्कार बने। धन्यवाद मालवी। ओ हरे राम हरे भगवान हरे राम। बाबू जी हमार श्याम नारायण शुक्ल बहुत प्रेम करीला उनकरा के, उनकर मार जीवन बदल देलेस, उनकर बात उनकर विचार वह लेके चलत है, वह लेके चलब। और चाहब की जितना भी हमार फैंस बाड़न समस्त हिंदुस्तान में विश्व में, जितना लोग हमरा के पसंद करलन, काहे कि हम एगो खाटी लड़का है, काहे कि हम गवई लड़का है, काहे कि हम भी एगो गरीब लड़का, एगो गरीब ब्राह्मण के लड़का से एजा पर अपन मेहनत करके अपने बल पे अपने स्वाभिमानी से अपन सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी के मेंटेन करके अपन काम सीखत है और अपने माई बाबू का सेवा करीला। बहुत बड़ा शक्ति बाड़न। बाप रे बाप, अच्छा रोआई के रोक दिए बाबू और माई का कबो आवाज आवल, काहे कि वह सत्य बाड़न। हम भगवान ना देख ले, क्यों भगवान नहीं खे देख ले, हम दिन रात काम करीला, उन लोगन के नमन करीला, उनकर आवाज सुन लेला, माई का दिन में एक दो बार जरूर बात करब और वो हमार बैटरी हो, वह हमार चार्ज बाबू के बाद हम दुनिया के जीते का शक्ति आ जाला। बहुत अच्छा लगल बाबू का आवाज सुने, बहुत मजा आयल। धन्यवाद, जोरदार ताली के साथ स्वागत करी भोजपुरिया सिनेमा के नामचीन अदाकारा अक्षरा सिंह के, जे आज बाड़िन सुर संग्राम के खास एपिसोड के खास मेहमान। धन्यवाद अक्षरा। मालनी जी कल्पना जी, आज के चुनौती के बारे में का कहे के चाहब मालनी जी? धन्यवाद के पात्र है महुआ और सुर संग्राम और ये अपना पूरी क्रिएटिव टीम। हर हफ्ते एक नया टॉपिक, हर हफ्ते एक नया विषय लेकर सामने खड़ा कर देती है और आज एक बहुत सुंदर विषय, ऐसा कौन सा गाना जिससे जिंदगी में अपने आप को सबसे करीब जोड़ पाते हैं, ऐसे गाने को यहाँ पर आकर इन्हें पेश करना है। और मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी, कई बार हम दूसरों के लिए गाते हैं, क्या जब अपने लिए गाते हैं, जिस गाने को, जिस माहौल को, जिस वक्त को, जिस दौर को हम जी रहे हैं, उनको हम क्या सुरों में ऐसे ढाल पाते हैं कि उसमें धार दिखा पाए, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। जो भी इनकी कहानी होगी मुझे लगता है मैं भी मजे से आज देखूंगी, देखने वाले भी देखेंगे, लेकिन ये मत भूलिएगा कहानी अपनी जगह सुर अपनी जगह। ठीक, कहानी अपनी जगह सुर अपनी जगह। कल्पना जी, सब लोग क्या आज शेयर करेंगे, क्या बोलेंगे, किसके मन में क्या बात है, एक तरह से एक दूसरे की जिंदगी से प्रेरणा लेने की एक मौका है। सो एक्सपेक्टिंग, आज देखते हैं। वाह, न्यायमंडल भी आज एकदम प्रभावित बाटे और न्यायमंडल यो जाने चाहता कि लोग का बोली है ना अपन जिंदगी के बारे में, अपन जीवनीकरण के गायकी में सुना है। तो आप चला जोरदार ताली के साथ स्वागत कैल जाओ। दूसरा लोग खातिर एगो मिसाल बन गए वाड़न यूपी के शान सरदार मोहन राठौड़, जय हो। बिहार की आन के सरदार आलोक कुमार, झारखंड की जान सरदार ममता राउत के स्वागत और स्वागत कर ऑडियंस के तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहल बाटे एगो जोरदार ताली। पिछला एपिसोड में झारखंड के योद्धा प्रियंका के हो गई रहे विदाई, बड़ा दुख है सबके। आज बाटे चुनौती के रात, कहनी ना ही सुर संग्राम तृतीय का मंच अद्भुत बाटे। हम सोचित रहनी की फाइनल तक जाई लेगी, लेकिन उछल गए, न्यायमंडल भी परेशान हो गए, ये लोग भी परेशान रहलन की हो ना सकेला, लेकिन यह तक खेला बा सुर के खेला। चुनौती के रात आज के एपिसोड अब तक के सबसे ज्यादा दिल के छू लेवे वाला एपिसोड बन जाए, काहे कि आज मंच पर बहुत सारा कहानी उतरी एक साथ और आप सबके खुद में डुबा दी अपने जीवन में। आज की चुनौती बा कि आज हर योद्धा अपन जिंदगी के कहानी से जुड़ल गाना के सुर के माध्यम से आप लोगन के सामने प्रस्तुत करी। आज जौन भी प्रतिभागी के परफॉर्मेंस न्यायमंडल के लगी सबसे ज्यादा बेहतरीन योद्धा बन जाए इस परफॉर्मर ऑफ द डे और योद्धा के मिली तरफ से एक विशेष उपहार। आज के चुनौती पेश हो करा से पहले हम न्यायमंडल से इजाजत चाहब। न्यायमंडल,
धन्यवाद, इजाजत मिल गई। तो आज अपन जिंदगी की कहानी की चुनौती के सामने करे खातिर कौन सेना की योद्धा सबसे पहले उतरी हन? मोहन, आलोक, ममता केकरा के उतारी? जो हमनी के अभी भइल है वो भाव के देख के हमके याद आ गई की परिस्थिति स्थिति से हम भी गुजरल बानी और माई बाबू के प्यार का होला वो पता चल उहे अभाव में जो हमार भाई वीरेंद्र भाई बाने उनकर भी स्थिति परिस्थिति उहे बा वैसेने बा मम्मी बीमार रहले और बस वही भाव के लेके हम अपना भाई के बुलावत आनी आजमगढ़ से वीरेंद्र भारती जी भैया। वीरेंद्र बाबू मंच पर आए उकरा से पहले कुछ दिखावे के चाह, कृपया वीरेंद्र बाबू के ए भी दिखाए। भैया हम जाते हैं पापा के छोड़ के पहली बार सुर संग्राम में हमारा सिलेक्शन वाला जनता बनी। पापा के पैर टूटल है, उनके हार्ट के मरीज भी हैं भैया, दवाई खातिर उनका भी इंतजाम कर दिए हम उधर। तू तो हमारा भाई बड़ा हो, जैसे तू तुहार बाबू जी वैसे हमार बाबू जी, चिंता कबो जिनकी हाँ, जौन भी हो सके हम करब। भैया पापा की दवाई खातिर 2000 रुपया आप दे दिए, हम उधर से आए था कार्यक्रम कह के आप सोच रहे थे आपका। भाजी पाले जी खुश हो बेटा, हम जाते हैं सुर संग्राम में हमारे सिलेक्शन भइल बा, आप समय से दवाई खा ली हैं तो आर पैर भी इतने टूट गया है। हाँ बेटा, दिल का धड़कन भी तुम्हार तेज हो जाए कबो कबो, अपन दवाई समय से खाइया, डॉक्टर के समय से दिखाइया। पैसा कहाँ से बेटा? बाबू हम अपने दोस्त के बुलावले बनी, उनके सहेज के तब जाबू दवाई तुम्हार मंगवा दी। अच्छा से घर भी है जब काम खाती जाता रहा और आजमगढ़ के रोशन रखिया, हमार बिल्कुल चिंता मत करिए भैया, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबूजी हम जाते हैं, हमारी चिंता मत करिए, दवाई खा लिया समय से। ठीक है बेटा, हमार दोस्त आवे वाला है, ठीक है, हम उनसे कह ले वो दवाई खाते ना आपके इंतजाम करिए। ठीक जाते हैं बाबूजी। बाबूजी के दुखावा न हमसे सहाता, कैसन गरीबी आई देहला बिहाता, कैसन गरीबी आई देहला बिहाता। दुखावा गरीबन से, दुखावा गरीबन से नहीं खे सहाता, ये कैसन गरीबिया दिहला बिधाता, ये कैसन गरीबिया दिहला बिधाता।
वाह वाह भिलैका तो पगला देला। हेलो काका, तू जोन भी गाना गावेला ना बड़ा एकदम दिल से गावेला, ये हम शुरू से हम देखत रहनी और आज भी बड़ा एकदम दिल से गावेला भाई, बड़ा अच्छा लगा। वीरेंद्र जी बहुत भाव में गाए, एकदम दिल को छू जाता है जब भी आप गाते हैं मुझको। ये भाव के देख के उस दिन याद आ गई हमके, जो गरीबी माई बाबू के साथे हम गुजारत रहनी रातों दिन, अब हम का बताएं इनकर, बस यही तरह माई इनकरा पे सहाय रहा और इतना नाम करा, इतना नाम करा अपना भोजपुरी माटी के कि पूरा दुनिया में इनका परचम लहराओ। बस हम ये कहो वीरेंद्र भाई से, मान लीजिए निर्धन के रोग जनी देह विधाता। यहाँ बैठकर ये कहने में शर्म आती है मुझे वीरेंद्र, ये कह ही नहीं सकती कि तुम्हारा भाव यहाँ तक पहुंचा। यही कहूंगी कि जिस परिस्थिति में तुम हो और ये भी देखने के बाद इस तरह के माहौल का गाना गाना आसान नहीं था। तुम्हारा गला कितनी जगह रूंधा, तुम रोए ना रोए हम सब लोग जिस जगह से हो, जिस तकलीफ से हो, उस पर पहले भी बात हो चुकी हो कि पिताजी तुम्हारे बिल्कुल अकेले हैं और उनको देख रेख की जरूरत है और यहाँ से उनको निरंतर सहायता मिल रही है, भी आपने बहुत अच्छा एवी की जरिए दिखाया है। इस शो से एक ऐसा वीरेंद्र भारती मोहन राठौर की तरह से एक ऐसा योद्धा पूरे भोजपुरिया समाज को मिले, जो मैं हमेशा बोलती भी रही हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा मिले कि कल को जैसे रवि जी की सक्सेस स्टोरी यहाँ सुनाई गई है, वीरेंद्र भारती की सक्सेस स्टोरी यहाँ पे ऐसे ही दिखाई जाए कि एक बार ऐसा भी हुआ था, एक मंच पे ऐसा लड़का आया था जिसके घर में ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन आज वो कितना बड़ा स्टार है। इस मामले में तुम्हारा आदर्श बिल्कुल मोहन राठौर होना चाहिए, उसने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने उसका बड़े खुले हाथों से स्वागत किया है, उसने भी उसको अपनाया है लेकिन अपनी निजता को बरकरार रखा है। यही आशीर्वाद दूंगी कि वो संतुलन कैसे बनाओगे, इसकी कुंजी जिस समय पा जाओगे तुम्हें कोई कभी भी नहीं रोक सकता। आज के लिए बेटा मेरी ओर से 19। यहाँ गीत संगीत एक साधना सिर्फ नहीं है, एक हॉबी सिर्फ नहीं है, एक शौक सिर्फ नहीं है, या एक डिसिप्लिन वे में कि सुबह रियाज करना है मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट है, वो नहीं है। यहाँ पेट की भूख के साथ जुड़ा हुआ है संगीत। तुम तो बहुत बड़े बन चुके हो, सुर संग्राम के जरिए वो आशीर्वाद मिल चुका है, फिर भी अगर मैंने पहले भी इशारा किया ऐसा कुछ लुप्त प्राय तुम्हारे पास बहुत कुछ है लोक संगीत, मैं करना चाहती हूँ, मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ, तो ऐसे अगर कुछ एक हेल्प, तो वर्ड बहुत छोटा है, हेल्प नहीं बोलूंगी, एक साथ अगर कुछ कर पाए तो वेलकम और आशीर्वाद 20। ओहो 20 भेटाइल इनकरा के बाबू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुल मिला के इनका टोटल हो गए 39। बहुत बढ़िया, चुनौती की रात बाटे, बहुत अच्छा। सागर सागर बहुत अच्छा, एको छोटा सा भेंट हमरे तरफ से, ये चेक तरा बाबू बाबूजी खातिर, बाबू मजा ला और जब भी जरूरत हो, हाँ हो, और जब भी जरूरत हो, ये इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई बा, जब तक हम जियत है और जब तक तरह के जरूरत पड़ी तब तक बाबू एक फोन भी खटखटा देवा, अशोक भैया के बोल देवा, हम एकदम साक्षात सामने खड़ा दिखब तरह के, मजा ला। अक्षरा जी का कहूँ कुछ बोले लाइक नहीं की, बस इतना कहब कि बहुत अच्छा रहल, दिल से गई नहीं आप, और जहाँ तक आपके तकलीफ की बात है आपके माँ बाप की, तो उस चीज को अपने स्ट्रेंथ बना के चलिए अपने जीवन में, बहुत अच्छा। और बाबू जी के शक्ति बनाला, उनकर बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हमके लगा था बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। मंच पर प्रस्तुत भइल पहला योद्धा के जीवन के कहानी, जिकरा के देख लेस पूरा भोजपुरिया समाज, अभी आई योद्धा और न्याय मंडल लोग के जीवन के ऐसन अनसुनी अनजानी कहानी, जिकरा के देख के आप दंग रह जेबा, दावे के साथ कहते केहू रुलाई तो केहू हसाई, कैसन मची धूम, कैसन हुई संग्राम, सब देखल जाओ टीवी के सामने। ऐसे बा डटल रहा बाबू चुनौती के रात तक, आए की दाव पे लगल बा, तीन राज्य के मान सम्मान छिड़ गई बात, सुर के घमासान देखत रही हमार भोजपुरिया जान, और संग्राम
तृतीय आज चुनौती की रात बा मजा लूटा चल जाओ झारखंड की सेना से कौन उतर रहा बा काहो ममता भैया हम एगो ऐसा लड़की के भेजब जे हम सब नारी के जिंदगी में एगो मिसाल बन गई बनी और उस सबका के ताना सुन के भी अपना संगीत के जी जान से करत बानी अब आ रही है आपके सामने चंदन बहुत बढ़िया जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बोकारो झारखंड के सुर के राजकुमारी चंदन तिवारी के और चला देखल जाओ इनकर का कहानी बाटे जीवन हम अपन कहानी का बताई बहुत अजीबो गरीब तरह के हमरा साथ भइल बा लेकिन एक बात हम रउवा लोग के बतावे के चाहब कि एक जगह प्रोग्राम में गई रही तो बहुत अभद्र टाइप के व्यवहार भइल रहे अच्छा भी व्यवहार होला हमरा साथ कहीं 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 गलत तरह के व्यवहार भी होला तो बहुत बुरा लगेला कि ऐसे ना होके के चाही काहे कि हमनी के लोक संगीत के लेके आगे बढ़ रहल बानी जा जैसन व्यवहार रउवा लोग अपन माँ बहन बेटी के साथ करी नहीं जा वैसन के व्यवहार हमनियों के साथ होके के चाही काहे कि हमनियों के केहू के माँ बहन बेटी बानी जा बाकी सब लड़की से हम यह कहे के चाहत कि केहू के परवाह ना करते हुए संगीत के सेवा जारी रखें बहुत अच्छा गुड़िया जय हो आलोक बाबू अच्छा लगल तू बड़ा एकदम फोर्स में गेलू एकदम पावर में गेलू लेकिन कन्फ्यूज रहलू का तू आज हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज रहलू ना हाँ हमरा शक रहे बाकी अच्छा लगल अच्छा गाई जो गाने का एटीट्यूड था जो भाव था पूरा उसको अच्छे से निभाई ऐसे ही अच्छे से गाओ और जो कन्फ्यूजन था उसको आगे मत करना ठीक है जी अच्छा गौली है भाव में और बस और अच्छा गौलू है बढ़िया लगा कल्पना कंफ्यूज रहोगी तो पटकोगी कैसे दमदार प्रस्तुति जो है आपका वोकल शो बहुत स्ट्रांग है लेकिन बहुत सुर से बहुत बार कई जगह आप फिसले बहुत बहुत गया आज आज की चंदन अलग थी पहले के दो प्रस्तुति से सो 17 चंदन तुम्हारी ये अंदाज मुझे बहुत पसंद है कि एकदम जम के गाती हो एकदम झंडा गाड़ के गाती हो थैंक यू शुरू में नर्वस थी गड़बड़ा गया होता है
और उसके बाद अंतरे में लेकिन जब आई हो तो तुमने जिस तरह उठाया है गाने को और उसके बाद उसी एकदम झांसी की रानी के तेवर में चलती हुई जा रही थी जहाँ पर फूल का शब्द आ रहा था तो वहाँ पर फिर उसी नजाकत से वापस आना और फिर आना ये एक बहुत पके हुए कलाकार की निशानी है। ये भगवान की देन है। ये आदमी यहाँ नहीं सीखता, ये लेके आता है कि गाने को तेवर में अपना लेना। लेकिन कोई भी गाना हो यदि उसके गाने के बीच में यदि इंटरल्यूड्स हैं, पिकअप म्यूजिक है, हिंट म्यूजिक है तो वो तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी स्पेशलिटी है उस पर ये गलती और नादानी भारी ना पड़े। ठीक, आज के लिए 17। वाह वाह वाह, कल्पना जी से भेटाइल 17, मालिनी जी से 17, कुल मिला के चुनौती के रात हो गई इनकर 34। चला जानल जाओ अक्षरा जी से। अक्षरा जी, जिला टॉप से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते आ रही हैं और आज भी वही कॉन्फिडेंस देखने को मिला, तो झांसी की रानी वाला जो कॉन्फिडेंस है वही लेके आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गुड लक। यूपी के सरदार मोहन बाबू केकरा के उतर पर बुलावे जाता नहीं। अब वो महारथी के उनका बारे में हम का बताएं, छोट भाई बने लेकिन वो बहुत मारो खेले बने एक अकबरी लड़कीन से। अब समझ गई लोग अब आप दीपक बाबू के अपना बुलावे जाता नहीं। बहुत अच्छा, ओबरा सुर के ओबरा के कोबरा, ये हुआ कोबरा वाड़न सुर के जी। पिछलका बार एजा से निकलते निकलते इतना में बच गए, देखल जाओ कि आज इनका सुर का डंग कैसन बा। लेकिन ओकरा पहले उनकर कहा अरे ते चिंटुआ के दीदी है। अरे सुनिएगा, तेरे हसीन सराफा का कौन शानी है, मैं अगर बरसाती मेढक तो तू बरसात का पानी है। सारी से डर नहीं लगता साहेब, थप्पड़ से लगता है। चप्पल चाहे सिंगल कुछ मारा, चाहे बीच बाजार में हमरो इज्जत उतारा। लाख जूता चप्पल चाहे सिंगल कुछ मारा, चाहे बीच बाजार में हमरो इज्जत उतारा। पापी सारा दिल का दुनिया हके चाल कर दा। ए चिंटुआ के दीदी सुना, ए चिंटुआ के दीदी तनी प्यार कर दा, ए चिंटुआ के दीदी तनी प्यार कर दा। दीपक बाबू के तबीयत खराब हो गई, गिर गईलन मंच पे, उनका के अस्पताल ले जाए के पड़ल, तो उनकर प्रस्तुति अधूरी रह गई। न्याय मंडल से हम निहुरा करम कि उनकरा बारे में सोचिए, उनके दोबारा से मौका दिए। हमरा के लगत है लड़का बच्चा लोग चूंकि गांव देहात छोटा शहर से आलवाड़न, बहुत ज्यादा सीरियस ले लेलन, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेलन एलिमिनेशन का, विदाई का। भगवान से मना लीजिए दीपक का तबीयत जल्दी से ठिका जाए और फिर से हमने लोगन के मंच पे ज्वाइन कर लें। आलोक बाबू, मोहन बाबू लेके आ गए अंशु के, ममता लेके आ गए चंदन के। अब आपका बारी बाटे
बिहार खातिर कौन से योद्धा के खोजत आड़ा, कौन से योद्धा के उतरबा जोन अधिकार आपके न्याय मंडल देले बाटे, ओकर इस्तेमाल हुई कि ना हुई, कि केहू भेटैलेस कि ना भेटैलेस? भैया हम तो ले आयल बानी, तो आज जोन हम आदेश मांगले रहनी मालनी दीदी से और कल्पना दीदी से, उनका आदेश के हम आज हम पूरा करब करब भैया, औसन हीरा खोज के ले आयल बानी। और लेकिन अभी थोड़े हम लाए तब, अरे बाप रे बाप, अभी जब तक शो खत्म हो जाए ना ना, ना ना, जब तक अभी बात सोमिया मिश्रा जब तक अभी टिकी लाए भैया, जाके लाए आजे लाए, यह अकेली लड़की के लड़ोई बा, जब तक टिकी टिकी मतलब आज लाए, लेकिन आज हम लाए, आज राती तक लिए बा ना ना ना, ना 9:30 बजे पहले चला देखल जाओ की आपके 9:30 बजे से पहले केकरा के उतरिए, ठीक है? इंतजार करिए, समस्त बिहार देखा था ना, हाँ हो, बड़ा अद्भुत खेल हुई, जीवन जीवन के संघर्ष और संघर्ष के चीर के आगे बढ़े के एगो अद्भुत दास्तान के सुन रहल बा हमार समस्त भोजपुरिया जहान। अभी योद्धा के जिंदगी और पहलू से भी हुई जहान रूबरू, जौना के देख के रउआ लोग योद्धा के पीठ थपथपायल जा और मजबूर हो जाइबा कि बाकी बचल योद्धा के शानदार प्रस्तुति और जानदार कहानी के साथ हुई एगो संघर्ष हो, मजा आई के कर इंसाफ चुनौती की रात सब देखल जाए और जानल जाए। लेकिन एगो ब्रेक के बाद कहीं जाए ना, कहे कि दाव पे लगल बाटे तीन राज्य के मान सम्मान, छिड़ गई बात सुर के घमासान, देखत रहिए हमरा भोजपुरिया जहान। स्वर संग्राम कृति अब आज बाटे चुनौती के रात, भानुमति के पिटारा के खोलल जाओ। तो आज देखल जाओ कि वह भानुमति का पिटारा फिर से आई, का सौगात मिली केकरा रूप में, और आज न्यायमंडल के बारी आई, कहें कि न्यायमंडल से मान लीजिए बचल बाड़ी सरदार लोगन में से तीनों बचल बाड़न, तो देखल जाओ कि का आवता भानुमति के पिटारा से। तो भानुमति का पिटारा कृपया हाजिर हो। आगल बड़न भुटाली द सुपरमैन, बाबा भुटाली बाबू का हाल बा भुटाली? अरे आयु लड़का हमारा के एकदम अपने साइज का बना देला जब भी आला। ठीक बा, ममता जी बड़ा खूबसूरत लगत ली। विप्रेम में एगो पागल प्रेमी आयल बा, सोचा शो से ना मौका मिलल, खाली ई शो में कि हम पैसा खुद का टिकट लगाई, पैसा होना चाहिए, एजा आई खाली ममता जी के सामने हमरा के रोज लिया, का कहबो? सुना दे तली गो अम्मुहवा से हेलो हेलो, मुहवा से हेलो हेलो, हथवा से टाटा एक दुपाटा वाली, मुहवा से हेलो हेलो, हथवा से टाटा एक दुपाटा वाली, तुहपे मोहन भइल लाटाई दुपाटा वाली, तुहपे मोहन भइल लाटाई दुपाटा वाली। बढ़िया गो बाजू गोद में अच्छा सुना ए ममता, इनके प्यार के इजहार के बारे में सोचा ही लड़का एजा रोज ही कपड़ा पहन के दिन रात शूटिंग का लाइट वाला चल जालन, इस स्टूडियो में रहला यहरा सुत्ताला, अपना खाना पकाला कि जब तक ममता जी हाँ ना बुनियन, एक दो महीना जब तक ये शो चली हम यहरा रहब, कोनो काम धंधा ना करब। ई तक कसम बोल वही करी हन ममता मान जा, देखो प्रेम का तोहफा प्रेम से तो एक रिटर्न तो कहता। आज हम कहना चाहते हैं सभी लोगों के सामने भुटाली आई लव यू, आई लव यू टू। ओ देखो गुदगुदी हो रहा है, उसका आई लव यू सुन के उसका लजाना तो देखो। ठीक बा, चला तेरे चक्कर में पूरा रात बैठल रहा बाबू।
अरे वाह वाह वाह, धन्यवाद। और पिटारा में से भानुमती का जिन जो निकलल बाटे चिट्ठी, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बहुत बढ़िया बा, मजा आई बाबू, धन्यवाद। एगो जोरदार ताली भुटाली सुपरमैन के लिए, आप जा सकी नहीं बाबू, जय हो।